नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एंडी क्रिएटर में। मैं हूं अनिल और आज एडोबी इलस्ट्रेटर के टूल सीरीज के 13th एपिसोड में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं पपेट ब्रैक टूल। पपेट ब्रैक टूल से आप कोई भी ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट या कोई कैरेक्टर, उसके पॉइंटर आप इजीली चेंज कर सकते हो। तो पपेट ब्रैक टूल शुरू करने से पहले हमें एक कैरेक्टर क्रिएट करना होगा और फिर मैं आपको सिखाऊंगा पपेट ब्रैक टूल कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंप्रेस करके मैंने रेक्टेंगल टूल ले लिया। अभी मैं धीरे से एक रफली कैरेक्टर क्रिएट करूंगा, कोई डिटेली कैरेक्टर ड्राइंग नहीं करूंगा, मैं रफली कैरेक्टर ड्राइंग कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। दोस्तों रेडी हो गया है हमारा एक कैरेक्टर। तो अभी हम पपेट ब्रैक टूल इस पर यूज करके देखेंगे कैसे आपको ये वर्क करता है। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट इस हैंड को और अब मैं पपेट ब्रैक टूल में यूज करता हूँ जो एग्जैक्टली है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये पपेट ब्रैक टूल नजर आ रहा है। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये पॉइंट्स नजर आ रहे कुछ। तो ये पॉइंट्स जो है आपके ऑब्जेक्ट को इजीली ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ये सिलेक्टेड है तो इसे आप देखिए यहाँ पर मूव कर रहा हूँ तो ये इसीलिए आपका ऑब्जेक्ट का शेप जो है चेंज कर रहा है। वैल्यू पे लेता हूँ। अभी आप इसे कहीं पे भी और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। इलस्ट्रेटर सीसी में ही है ये पपेट ब्रैक टूल, ओल्डर वर्जन में ये टूल आपको नहीं मिलेगा। तो ये सीसी में ही इम्प्लीमेंट हुआ है तो ये जो टूल है इजीली आपके पॉइंट्स चेंज कर लेता है। तो देखिए अभी यहाँ पे इस एंकर पर ये जो पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं अगर मैं डिलीट कर लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट भी कर सकते हो। देखिए अभी यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे एक सिंगल, अगर मैं यहाँ पे एक ही होगा। इलस्ट्रेटर कहता है कि मैक्सिमम 3 पॉइंट्स ऐड करके आप चेंज कीजिए तो कंट्रोल में होगा आपका शेप। मैं तो ये अगर मैं इसे मूव करता हूँ तो देखिए ये सिंगल ही मूव हो रहा है और अगर इसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये सिंगल ही रोटेट हो रहा है। तो इस तरीके से ये रोटेट होता है। पर अगर आप इसमें और पॉइंट्स ऐड करोगे जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लिया, अभी मैं अगर इसको मूव करूँ यहाँ से तो देखिए ये अपने शेप को वहीं पे रख रहा है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। यहाँ पे और एक ऐड कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरह से ऐड कर लिया, इसे पूरा रोटेट कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और ऐसे नहीं कि 3 ही पॉइंट ऐड कर सकते हैं, आप कितने भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, आपके ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो। देखिए मैंने अभी इसे ऐसे कर लिया और इसे थोड़ा ऊपर कर लिया, तो कितने भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा अंदर नजर आ रहा है, मैंने क्लिक कर लिया, इसे थोड़ा सा और अंदर ले लिया, थोड़ा कह सकते हैं। तो ये आपके शेप को बिगाड़ेगा नहीं, आप शेप को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इतने पॉइंट्स आप मैंने ऐड किया हुआ है और कितने भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो इसमें। तो इस तरीके से ये आप कोई भी अपने शेप को, ऑब्जेक्ट के शेप को
ट्रांसफॉर्म या पॉइचर चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं बताता हूँ इस मैश के बारे में। तो अभी हम प्रॉपर्टी में जाते हैं। तो ये जो मैश है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर नजर आएगा, इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा शो मैश, इसे आप ऑफ करते हो तो ये मैश चला जाएगा, सिर्फ आपको पॉइंट्स ही नजर आएंगे। और इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्लिप शो ले लेते, यहाँ पर मैंने एक फुटबॉल सा ऐड कर लिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, ऊपर ले लिया। देखिए अभी मैं इस दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पर अभी मैं अगर इस पर परफेक्ट ट्रैप टूल अप्लाई करूँ, देखिए यहाँ पर परफेक्ट टूल सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो देखिए मैं इसको दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे आपने ऑटोमेटिकली हट चुके हैं। देखिए अभी यहाँ पे इसे मैं अगर चेंज करता हूँ, तो अब ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, बट ये बॉल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं अभी इस एक्सपांड मैश को यूज करूँ, तो देखिए ये जो मैश है अभी 2 पिक्सल्स पे है, ये डिफॉल्ट में 2 पिक्सल्स पे ही आता है। अगर इस पे आपको आप ज़्यादा करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया और इंक्रीज कर लिया, तो देखिए अगर अभी मैं मूव करूँ इसे, तो ये बॉल भी जो है ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो रहा है। तो आप इस तरीके से आपके मैश को एक्सपांड कर सकते हैं और आप उसके शेप को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए और इसे टू रखें तो ये ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा इस शेप से। देखिए हो गया आउट। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो आपके ऑब्जेक्ट को, और इसमें भी आप कहीं भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से पपेट ट्रैप टूल ऑब्जेक्ट्स कैरेक्टर पे काम करता है। तो इसे मैं अरेंज बैक कर लेता हूँ, ये प्रॉपर लगेगा। कंट्रोल ऑल से करके मैं इसे भी रखता हूँ, थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ। देखिए अभी मेरे को यहाँ पे जैसे कि सुपरमैन को एक जो कपड़ा होता है वो दिखाना है मुझे, जो उड़ता हुआ कपड़ा दिखाना है। देखिए अभी यहाँ पर मैं इसे रेक्टेंगल टूल से मैं एक स्क्वायर क्रिएट कर, यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ और इसे मैं एडिट कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसे भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ क्रिएट किया और राइट क्लिक और सेंटर बैक कर लिया। अभी इसे पेपर ड्रॉप टूल से मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लिया, थोड़ा टूल यूज कर लिया। अब अगर मैं ऐसे चेंज करो तो जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेना, तो यहाँ पे आ गया दिखा, ये ऐसा लगा कि ये उड़ रहा है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अब लग रहा है ये कपड़ा उड़ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई ऑब्जेक्ट को भी फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उसके कर्व्स और शेप चेंज कर देगा। अब मैं देखा था टेक्स्ट पे कैसे काम करता है, इसे सिलेक्ट करके छोटा कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं, टी सिलेक्ट करके टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, टेक्स्ट लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मुझे चाहिए था ये, मैंने टेक्स्ट किया हुआ वर्लिंग कैसे ना ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट पे ये काम नहीं करेगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करते ही ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसे कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे पपेट ड्रैग टूल यूज करते हैं, इसे यहाँ पे मैंने पपेट ड्रैग टूल अप्लाई कर लिया। जैसे अप्लाई करिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। अगर आपको इसका मैच बढ़ाना हो तो मैंने बता दिया प्रॉपर्टी में जाके आप मैच बढ़ा सकते हो, पर मैं यहाँ पे पपेट मैच नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आपको पॉइंट ऐड करना है ताकि ये मूव ना हो। इसी मैंने ऐसे कुछ ऐड कर लिए, इसे थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इसे भी थोड़ा सा ये लग रहा है टी के मफत और यहाँ पे लेग लग रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे भी मूव कर लूँ। इसको भी थोड़ा चेंज कर लो,
देखिए ये प्रॉपर एनिमल का शेप ले रहा है, इसमें तो एनिमल का शेप क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फॉर ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, इसमें बहुत इजीली आप कोई भी शेप चेंज कर सकते हो और भी पॉइंटर्स ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से ये पपेट ड्रॉप टूल काम करता है ऑब्जेक्ट टेक्स्ट या कैरेक्टर्स पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स को, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।